हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरान एंटरटेनमेंट। बुड़ो, कल जो तुम रबड़ी रोना मचा रहे थे वो देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि वही सेम चीज़ ऑडियंस ने भी फील की थी जब उन्होंने तुम्हारी मूवी को देखी थी, वही सेम चीज़ थिएटर ओनर्स ने भी फील की थी जब उन्होंने तुम्हारी मूवी को लगाया था, वही सेम चीज़ यूट्यूबर यानी कि वो रोस्टर्स फील करते जब वो तुम्हारी मूवी को रोस्ट करना चाहते हैं, और वही सेम चीज़ हम लोग फील करते जब हम लोग तुम्हारे वीडियोज़ को देखते। तो यार अभी हिसाब बराबर हो गया, लेकिन अब बात करेंगे हम लोग राधे योर मोस्ट वॉन्टेड भाई की। इसकी ओवरऑल लेंथ 1 आवर 45 मिनट की है और ये सलमान खान की अब तक की सबसे छोटी मूवीज में से एक है और काफी फास्ट पेस मूवीज में से भी एक है। लेकिन वीडियो पूरा जरूर देखना भाई, क्योंकि उसके बाद आप लोग डिसाइड कर पाओगे। मैं एक तरफ बात नहीं करता हूं, मैं ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करता हूं। खैर मूवी के प्लॉट की बात करेंगे, जो कि फोकस करता है मुंबई शहर में जहां पर मैं रहता हूं। खैर मुंबई शहर में ड्रग्स के केस बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके हैं और ऐसे में जो यहां के यूथ है वो लोग इसके शिकार ज्यादा बन रहे, और मुंबई पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रही। उनके पास पुलिस ऑफिसर्स तो है लेकिन वो उस लेवल के नहीं है, तो इसलिए उनको जरूरत पड़ती है एनकाउंटर स्पेशलिस्ट राधे की, जो कि 97 एनकाउंटर्स कर चुके हैं और 23 बार इनका ट्रांसफर हो गया। तो अब राधे इस केस को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। अगर आप बात करेंगे इस मूवी की तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपको ऐसी कौन सी मूवी याद आ रही होगी जिसमें आपको सलमान खान के सामने जो विलन है वो एकदम टक्कर का देखने को मिला हो, आप हार्डली ही बता पाओगे पहली बार में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मूवी ने मुझे मजबूर कर दिया कि भाई सलमान खान से पहले मुझे रणदीप हुडा की बात करनी पड़ेगी, जिसने अपने इस विलन रोल को इतना गजब का इतना खतरनाक प्ले किया कि यार मूवी देखते तो आपको ऐसा लगता है कि यार रणदीप हुडा स्क्रीन पर कब आएंगे, और सीरियसली जब जब वो स्क्रीन पर आते हैं बस वही वो नज़र आते हैं। और उन्होंने सलमान खान को भी कई कई सीनों में ओवर शेडो किया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है, और उतनी ही बड़ी बात सलमान खान की तरफ से भी है कि यार उसने दूसरे एक्टर को अपने से खतरनाक रोल दिया, अपने से कड़क रोल दिया, ताकि ऑडियंस उसके अलावा भी किसी और को देखे, जो कि सलमान खान का एक बड़प्पा है। क्योंकि जितने भी ए ग्रेड के एक्टर से वो लोग ये सारी चीज़ें नहीं करते भाई, अगर तुम लोग को नहीं मालूम है तो फिर क्या कर रहे हो तुम लोग यार। खैर उसके अलावा मूवी में अगर सलमान खान की बात करें तो यस, वांटेड के बाद अगर किसी मूवी में, मैं एकता टाइगर की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उस लेवल का रोल उन्होंने एकता टाइगर में भी नहीं प्ले किया था जो उन्होंने वांटेड में किया था, तो वांटेड के बाद जिस तरह के रोल में हम लोग सलमान खान को देखना चाह रहे थे बिल्कुल उसी अंदाज में यहाँ पर वो नज़र आते हैं। और 55 साल के होने के बावजूद भी वो 30 साल के हमें इस मूवी में नज़र आते हैं। उसके अलावा मूवी की जो स्टोरी है वो बिल्कुल एवरेज है, एवरेज से भी ज़्यादा नीचे, क्योंकि एकदम सिंपल कहानी जो हमने आज से पहले बहुत सारी मूवीज़ में देखा है, तो यहाँ पर नया क्या है। नया बस ये है कि इसमें हमें सलमान खान नज़र आते हैं, उसके अलावा मूवी में सल्लू भाई ने मैसेज देने की कोशिश की, सोशल मैसेज, जैसे कि ड्रग्स के कारण जो यूथ है, जो हमारी फ्यूचर आने वाला, वो किस तरीके से अफेक्ट हो रहा है, और जो वुमेन्स है वुमेन्स किस तरह से स्ट्रांग बनना चाहिए, उनको डरना नहीं चाहिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो कुछ ऐसे सामाजिक मैसेजेस जो सलमान खान ने देने की कोशिश की। हालांकि आजकल जितने भी बड़े ए लिस्ट एक्टर है, चाहे वो कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के हो या बॉलीवुड के हो, वो लोग अपनी मूवीज़ में इस तरीके के मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और प्रीवियसली मास्टर, युवरत्न और राधे, इन तीनों मूवी में हमें जो सोशल मैसेज देखने को मिला वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मूवी में जो गाने हैं आपको कहीं पर भी बोर नहीं करते, सारे सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं, और जो राधे टाइटल ट्रैक है वो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है यार, फुल सॉन्ग में सुनना, इन्जॉय करोगे। मूवी में अगर एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करें तो रणदीप हुडा ने भाई दिल जीत लिया। मैं तो अभी तक उस चीज़ से बाहर नहीं निकल रहा कि यार रणदीप हुडा ने इस लेवल का परफॉर्मेंस पुल आउट किया यार, तारीफ करनी पड़ेगी। और सलमान खान यार मज़ा आ गया यार, इस बार परफॉर्मेंस के मामले में सल्लू भाई ने दिल जीत लिया। लेकिन दिशा पटनी की बात इतना ही करूँगा कि दिशा पटनी को यहाँ पर क्यों लिया मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, और सलमान खान और दिशा पटनी के बीच की जितनी भी केमिस्ट्री थी वो सेंसलेस थी, मतलब उनका इस मूवी में रोल बनता ही नहीं था। अब उनको क्यों डाला, ग्लैमर के लिए डाला या बस एक्ट्रेस लेना था इसलिए डाला, या उनके वजह से आजकल की जो यूथ ऑडियंस है वो दिशा को पसंद करती है थोड़ा बहुत, चलता पता ना तुमको मामला, तो उस वजह से लिया मुझे नहीं पता, लेकिन ज़रूरत नहीं थी और वो पोर्शन आपको बोर करता है। उसके अलावा जैकी श्रॉफ और सल्लू भाई के बीच की जो केमिस्ट्री है यार वो हंसाती है, और सिद्धार्थ जाधव जो कि आपको हंसने पर मजबूर करते हैं यार, कुछ ऐसे सीन्स हैं उनके जो लिटरली बहुत ही ज़्यादा फनी है। और अगर मूवी के एग्जीक्यूशन की बात करें तो वो उस लेवल का एग्जीक्यूशन नहीं था जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। हालांकि सलमान खान की मूवीज़ में हम लोग सिर्फ सल्लू भाई को देखने के लिए जाते हैं, लेकिन अगर आज कहानी भी देखने को मिल जाती तो वो सोने पे सुहागा हो जाता, जो कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। खैर अब बात करेंगे इस मूवी के नेगेटिव पॉइंट की, जो कि हेटर्स को बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया कि कहानी में उतना दम है नहीं, लेकिन उसके अलावा जो एक्शन सीन्स है, एक्शन सीन्स को डिज़ाइन बहुत अच्छी तरह से किया है, जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट, स्पेशली जो इंटरवल से पहले रणदीप हुडा सलमान खान के बीच का जो एक वो एक्शन सीन है वो बहुत अच्छा है। उसके बाद रणदीप हुडा एक गैंगस्टर डगड़ू
उसको मारने के लिए जाते थे वहाँ पे, जो जिस तरीके से वो वॉयलेंस चाकू चला थे वो सीन्स बहुत अच्छा है, और क्लाइमेक्स में जो हैंड टू हैंड कॉम्बैट है वो बहुत अच्छा है, लेकिन क्लाइमेक्स में जो VFX है वो इतना घटिया है, ऐसा लगता है कि भाई आप किस ज़माने की मूवी देख रहे हो। लिटरली सलमान खान की मूवी से इस लेवल का VFX एक्सपेक्टेशन नहीं था। और जो चूतिए फिजिक्स की बात करते तो भाई हॉलीवुड की मूवीज़ में भी इसी लेवल के जो सीन्स डालते हैं चूतियापा, वो हॉलीवुड की मूवीज़ में भी होता है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि उनके चूतियापा में जो VFX होता है वो बहुत ही अलग लेवल का होता है, क्योंकि उनका जो बजट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। और वही सेम चूतियापा अगर हमारे बॉलीवुड में किया जाए तो उसमें बजट इतना नहीं होता और VFX भी उतना अच्छा नहीं होता, तो वो लिटरली बहुत ही एकदम घटिया लगता है, लिटरली एकदम शिट लगता है। और यहाँ पर भी जो VFX है वो बहुत ही क्या बोलूँ यार, उस वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा हंस रहा था और मुझे गुस्सा भी आ रहा था। खैर यार क्या कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। उसके अलावा मूवी में जो डायलॉग्स है दबंग और वांटेड लेवल के डायलॉग्स नहीं है यहाँ पर कि आपको याद रह जाए। एक चीज़ जो मुझे अभी तक हजम नहीं हो रही है वो बहुत ही फनी थी कि एक बच्चा ऊपर बिल्डिंग से, यानी 6-7 माले की बिल्डिंग है कुछ, ऊपर से गिरता है लेकिन फिर भी उसको कुछ नहीं होता है, तो वो थोड़ा सा फनी है, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन फिर भी मूवी है, एंटरटेनमेंट पर्पज से बताई जाती है तो ठीक है, अच्छा लगता है। ओवरऑल पेरेंटल गाइडेंस के लिए इतना ही बोलूँगा, भाई हमारे सलमान खान की मूवी है, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हो, मज़ा आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। लेकिन इस मूवी को रेटिंग दूंगा 6.5 out of 10। ये मूवी एक एवरेज मूवी है, बस दैट्स इट, मगर सलमान भाई को देखा वो पैसा वसूल है। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ नहीं, लेकिन ये कुछ एक्ट्रेस में से एक है हमारे इंडिया के, जिनकी मूवीज़ देखने का जो मज़ा है वो बिल्कुल अलग होता है। आप लोगों ने मूवी देखा है तो अपना ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करो, ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।